सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2018 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। देखिए, सरकार और अधिकारियों की नींद खोलने के लिए बेरोजगारों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी। बीकानेर निदेशालय के सामने रीट शिक्षक भर्ती 2018 के चयनित जो 26,000 बेरोजगार हैं उनको नियुक्ति देने और द्वितीय सूची जारी करने की मांग को लेकर आज 8वें दिन भी धरना और अनशन जारी रहा और आज भैंस के आगे बीन बजाकर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया सरकार व अधिकारियों की नींद खोलने के लिए। देखिए, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ है, उसके अध्यक्ष हैं जो उपेन यादव। उन्होंने सरकार व अधिकारियों की लापरवाही पर आरोप लगाया और कहा कि इनकी लापरवाही की वजह से किसी की भी अगर बेरोजगारी अनशनकारी की जान जा सकती है और 8 दिन बीत जाने के बाद में भी सरकार और अधिकारी बेरोजगारों की सुध नहीं ली है। सरकार और अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि 2 दिन मांगे और नहीं मांगनी तो 27 तारीख को धरने में शामिल सभी बेरोजगार आमरण अनशन पर बैठेंगे और यदि आमरण अनशन के दौरान किसी बेरोजगार के साथ में अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार अधिकारी और सरकार होगी। देखिए, इस तरीके से बीकानेर निदेशालय के सामने जो विद्यार्थी धरना दे रहे हैं उन्होंने 27 तारीख को आमरण अनशन पर बैठने की चुनौती दी है सरकार को। सरकार को कहा है कि अगर आमरण अनशन पर बैठे किसी भी अभ्यर्थी की अगर उनके साथ में अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार जो है वो अधिकारी और सरकार होगी। तो देखिए, इस तरीके से रीट जो शिक्षक भर्ती 2018 है उसकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड और इसकी जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी करने से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। धीरे धीरे अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट सूचना आती है तो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।